एतकादात के मामले में कोई सुस्ती नहीं चलेगी। जहां पर एतकाद की बात आ गई और एतकाद भी मुकम्मल होना चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि अगर आधा दीन ले लिया, सिर्फ कुरान को ले लिया, अहले बैत को छोड़ दिया, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सिर्फ अहले बैत को ले लिया, कुरान छोड़ दिया, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। बल्कि पूरा अकीदा मजबूत होगा तब जाके अमल की बारी आएगी। जब अकीदा मजबूत होगा तब जाके अमल की एक्सेप्टेंस की बारी आएगी। बस दो रिवायतें हुक्म अहले बैत के बारे में आपकी खिदमत दर्ज करूं। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले। हम अपने एतबार से गुफ्तगू करें तो हमारे पास परवरदिगार आलम की दी हुई बहुत बड़ी नेमत मौजूद है। वो क्या? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लौ अन्ना रजुलन दअना बैन रुक्न वल मकाम व लकल्ला मुग़िज़न लि अहले बैती दखल अन्नार। रसूल क्या फरमाते हैं? रसूल फरमाते हैं अगर कोई शख्स रुक्न मकाम के दरमियान मर जाए, यानी तवाफ कर रहा हो रुक्न मकाम के दरमियान मर गया, लकल्लाह परवरदिगार से मुलाकात करता है, मुग़िज़न लि अहले बैती और मेरे अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है, दखल अन्नार, उसे जहन्नम के हवाले कर दिया जाएगा, जहन्नम में डाल दिया जाएगा। उसका कोई मकाम नहीं है, उसकी कोई आमाल एक्सेप्ट नहीं होंगे। जितनी नमाजें हैं सब जाया, जितने रोजे सब जाया, कोई एक्सेप्ट नहीं होगा। दूसरी बहुत वाजे रिवायत, बहुत वाजे अंदाज में वो दुआ, वो ज़ियारत के जो इमाम ज़माना अज़लल्लाहु तआला फ़रज़ शरीफ की ज़ियारत, कि उसके चंद जुमले अगर वहीद खुरासानी ने अपनी तकारीर के अंदर इन जुमलों का नकल किया इमाम ज़माने की ज़ियारत से, अशहदु अन्ना विलायतका, मैं गवाही देता हूं कि आपकी विलायत, इमाम ज़माने को मुखातब करके हम कहते हैं उन ज़ियारत के जुमलों के अंदर, वो क्या है कि ऐ इमाम ज़माना आपकी विलायत, और मैं गवाही देता हूं कि बेशक आपकी विलायत वो है कि जिसकी वजह से मेरे अमाल कबूल होते हैं, जिसकी वजह से मेरे अफ़आल पाक होते हैं, मेरा किरदार पाक हो जाता है, जिसकी वजह से मेरे हसनात यानी मेरी नेकियां वो है कि जिसकी जिसके मुकाबले में परवरदिगार कई गुना अजर दिया करता है, और यही आपकी विलायत है कि जिसकी वजह से मेरे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। ये अहले बैत की विलायत खास तौर पर जमाने के इमाम को मुखातब करके हम कहते हैं कि इमाम जमाना हम आपकी इन तमाम खसूसियात की गवाही देते हैं। और इसके बाद जुमले रिवायत के और जियारत के कि अगर अहले बैत की विलायत है तो आमाल भी कबूल, किरदार भी पाक हो जाएगा, हसनात के बहुत ज्यादा मरतबा है, दोगुना या तिगना या इससे भी कई गुना सवाब दिया जाएगा, इसी तरीके से गुनाहों को माफ भी कर दिया जाएगा, ये तमाम खसूसियात भी नहीं गई। और इसी के मुकाबले में इसी रिवायत का दूसरा टुकड़ा कि अगर कोई बुग़्ज़े अहले बैत रखता है, अगर अहले बैत से दुश्मनी रखता है, तो परवरदिगार आलम उसके तमाम आमाल को बेकार कर देगा और उसे मुंह के बल जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। यह अहले बैत की विलायत का मकाम है कि अगर अहले बैत की विलायत है तो तमाम अमाल कबूल, अगर अहले बैत की विलायत नहीं है तमाम अमाल रद्द कर दिए जाएंगे और उसके मीजान अमाल को बिल्कुल खाली हो जाएगा, खाली कर दिया जाएगा, कुछ भी नहीं उसके पास। अब आइए अपने मौजू की तरफ। मैंने दो रिवायतें क्यों पेश की? हम बात कर रहे थे एतकादात की, अकीदा कितना मजबूत है। जितना ज्यादा अकीदा मजबूत होगा उसी एतबार से इन तमाम चीजों में फर्क पड़ेगा। मैंने आपसे मिसाल शेयर की थी कि अगर बच्चे अपने अतराफ के माहौल को देखते हैं, चाहे वो मां बाप के, चाहे वो किसी और के, चाहे मिसाल के तौर पर किसी की आवाज को सुनते हैं, किसी के अल्फाज को सुनते हैं, इन दोनों के दरमियान जरा सा फर्क है। वो जरा सा फर्क क्या? मिसाल के तौर पर मैं अपनी ही मिसाल दूं, मैं अगर चंद बातें आपके साथ कर रहा हूं, या मिसाल के तौर पर हमारी आपकी मुलाकात हो, मैंने चंद बातें आपके साथ की, मेरी कही हुई बातें हो सकता है आपको याद रहे, हो सकता है याद आ रहा, अगर मिसाल के तौर पर आपके जहन में भी वही बात थी, आप भी वही सोच रहे थे, आपको वो बात बहुत अच्छी लगी तो आपके जहन में रह जाएगी, लेकिन अगर अमल करने के मरहले की बात आएगी तो क्या होगा? अगर मुझे आप देखेंगे कि मिसाल के तौर पर वही बात की जिसका मैंने आपसे तज़किरा किया मैं खुद अमल नहीं कर रहा, क्या होगा? आप कहेंगे ये सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। यानी ये वो बात है कि जो अल्फाज का असर है,
अल्फाज का असर इतना ही होता है कि जिस तरीके से अल्फाज निकले उस अल्फाज की तासीर इतनी है कि अगर एक मर्तबा भी कोई इंसान उसे मुखालफत करता हुआ देख लेता है तो फौरन पीछे हट जाता है, कहीं बोलता है काम करता नहीं है, सिर्फ बोलने का बादशाह है लेकिन अमल के मैदान में खोखला है। लेकिन अगर इसके मुकाबले में अगर मैं किसी अमल को करता हुआ आपको पाया जाऊं, मिसाल के तौर पर किसी काम को मैंने अंजाम दिया आपने देखा, अब क्या होगा? अगर एक काम मैंने किया और आपने देखा, इसका असर उस कहीं हुए बात से ज्यादा होगा। मिसाल के तौर पर कभी ऐसा हुआ कि वो काम कि जिसका वक्त हो मैंने ना किया, आप अपने जहन के अंदर एक बात को खुद बखुद रखेंगे, अगर आपकी मुझसे जरा सी भी उंसियत होगी तो आप सोचेंगे हो सकता है कि अभी मसरूफ हूं, हो सकता है कि कोई और वजह हो जिसकी वजह से काम नहीं किया अभी, इसलिए एक मरतबा करता हुआ देखा है, एक मरतबा पेड़ के मकाम पर देख लिया, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा, अगर बार बार ऐसा ही हो, एक ही मरतबा देखा, तीन मरतबा नहीं देखा, तो आप कहेंगे हाँ एक आध मरतबा कर लिया होगा। तो कहने के असर में और करने के असर में कितना ज्यादा फर्क आ जाता है। अब इन तमाम मुकदमात को देखते हुए एक वो हवाला कि जो उलमा ने अपनी मिनहाजुस सालिहीन के अमर बिल मारूफ और नहीं मुनकर के बाद में लिखा और बहुत बेहतरीन जुमले उलमा से नकल करते हैं कि अमर बिल मारूफ, किसी को अगर नेकी का हुक्म देना चाहते हो, किसी को अगर बुराई से रोकना चाहते हो, मैं उसको खुलासा पेश कर रहा हूं, अगर सिस्तानी ने भी लिखा, अगर कोई ने भी लिखा, दीगर परवाराज ने भी अपनी मिनहाज के अंदर लिखा, एक ही बार अगर ये करना चाहते हो अमर बिल मारूफ, अपने लोगों को, अपने जानने वाले को, अपने सामने के लोगों को हिदायत करना चाहते हो, तब बेहतरीन चीज यह है कि अपने आप को उन चीजों का पाबंद बना लो जिसका तुम दूसरों को हुक्म देना चाहते हो। जो परवर जगह ने तुम्हारी जिम्मेदारी लगाई है, अपने आप को उन वाजिबात और मुस्ताहबात का पाबंद बना लो, ये बेहतरीन चीज होगी। अगर किसी को तबलीग करना चाहते हो इस तरीके से करो। और दूसरी बात का अगर नहीं अभी मुनकर करना चाहते हो, याद रखो तुम अपने अंदर ऐसी कैफियत पैदा करो कि तुम्हारा कोई अमल ऐसा ना हो कि जो हराम की तरफ जाता हो, तुम्हारा कोई अमल ऐसा ना हो कि जो मकरूह की तरफ जाता हो। अगर ऐसा करोगे खुद ब खुद तुम्हारे वो अफआल इतना असर रखेंगे कि दूसरे के अंदर तरबियत का बाइस बनेंगे। और यही वो रिवायत, वो रिवायत का मफहूम कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, तो लोगों को दावत दो, कैसे आमाल देखूं, लाभ से ना देखूं, सिर्फ जुबानी नहीं आमाल के जरिए से दावत दो। इसलिए ये वो असर रखती है कि जो तुम्हारी जुबान में असर नहीं होगा, जब करोगे तो फायदा होगा। यानी अगर दूसरे को भी कुछ पहुंचाना चाहते हैं, दूसरे के लिए अगर आइडिया बनना चाहते हैं, अपने अमल के जरिए से दूसरे को दिखाना चाहते हैं, अमल कीजिए, कहने से वक्त नहीं पड़ेगा। और यही वो उसूल कि जो हमें अपने बच्चों की तरबियत के लिए भी काम आएगा कि अगर बच्चों की तरबियत करना चाहते हैं उन्हें ये सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, गाली मत दो, गाली मत दो, कहने से फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपनी जिंदगी के अंदर ही दिखलाइए कि आपको गुस्सा आया, आपने गाली नहीं दी। मिसाल के तौर पर कोई ऐसा मौका आया जहां झूठ बोला जा सकता था, आपने झूठ नहीं बोला, सच का सहारा लिया, आपने मुश्किल उठाई, सच का सहारा लिया। अगर ये करके बताएंगे बच्चा याद रखेगा, सारी जिंदगी इस पर अमल पैरा रहेगा। लेकिन सिर्फ कहीं हुई बात होगी, एक मरतबा देखेगा आपने झूठ बोला, वो सारी जिंदगी झूठ बोलेगा, आपको एक मरतबा देखेगा, वो ये पूछने नहीं आएगा आपसे कि आपने झूठ किस वजह से बोला था, उसे भी एक मरतबा ये महसूस कर ले कि आपने झूठ बोला, ये वो एक मरतबा देख लेके आपने गाली दी, वो पूछने नहीं आएगा आपसे, वो फितरतन उस असर को ले लेगा, जब मेरा बाप ये काम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये वो असरात है कि जो अपने आमाल की वजह से हम माशरे को डाल देते हैं। अब इसी को जरा सा आगे बढ़ाते हुए कि अगर ये बातें हैं और जब उलमा भी इस बात की ताकीद करते हैं कि अगर चेंज करना चाहते हो अपने आप को, सबसे पहले चेंज करो, और इतना चेंज करो कि तुम्हारा चेंज इतना ज्यादा हो कि दूसरों पर असरअंदाज हो और मुस्बत अंदाज में। जैसे कि एक छोटा सा वाक्य शेयर करो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का, एक मरतबा खलीफा सानी उनकी नस्ल से एक शख्स इमाम की खिदमत में आता है